गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक टॉर्च, ओलंपिक मोटो, ओलंपिक ओथ एंड ओलंपिक एंट्रेंस. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट रोल ऑफ IOC. रोल ऑफ IOC, इट मीन्स रोल ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. फर्स्ट वन विल बी हेयर टू इनकरेज एंड सपोर्ट द प्रमोशन ऑफ एथिक्स इन स्पोर्ट एज वेल एज एजुकेशन ऑफ यंग थ्रू स्पोर्ट एंड द स्पिरिट ऑफ फेयर प्ले. इट मीन्स फेयर प्ले विल बी सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट्स अमेचर गेम एंड इन अमेचर गेम नो एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और नो एनी टाइप ऑफ बैड एथिक्स विल बी रन ड्यूरिंग द गेम. सेकेंड विल बी इनकरेज एंड सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन. इट मीन्स ऑल ओवर वर्ल्ड ऑल द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू स्पोर्ट्स दे विल इनकरेज एंड सपोर्ट. इट डजेंट मैटर कि इकोनॉमिकली और एवरी लेवल ऑफ सपोर्ट गिवन बाई IOC. दैट इज सो मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज देर आर वेरियस टाइप ऑफ कंपटिशन विल बी रिलेटेड टू स्पोर्ट्स दैट इज ऑर्गेनाइज इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो दे ऑलवेज इनकरेज ऑल दोज इस टाइप ऑफ एक्टिविटी स्पोर्ट एक्टिविटी विच इज ऑर्गेनाइज इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड थर्ड विल बी हेयर टू इंश्योर एंड रेगुलर सेलिब्रेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स. इसका सीधा सा मतलब है कि एवरी 4 ईयर्स ओलंपिक मस्ट बी ऑर्गेनाइज इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. इट मीन्स अलग अलग स्थानों पर ये एवरी 4 ईयर्स में ये ऑर्गेनाइज ही होगा चाहे जो हो जाए और वो रेगुलर होना चाहिए. इट मीन्स एवरी 4 ईयर्स दैट विल बी ऑर्गेनाइज द ओलंपिक गेम. नेक्स्ट विल बी टू कॉपरेट विद द कंपिटेंट पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड अथॉरिटीज इन द इंडिविजुअल टू प्लेस स्पोर्ट्स एट द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड देयर बाई द प्रमोट पीस. मीन्स जो भी गेम ऑर्गेनाइज होते हैं उसका सीधा सा मोटो होता है कि वो शांति के साथ उस गेम को ऑर्गेनाइज करे और जितने भी इससे रिलेटेड स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्राइवेट या पब्लिक इंस्टीट्यूशन होते हैं स्पोर्ट्स के उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करना, जिस सहयोग करना, जिससे जो है वो बड़े लेवल पे बच्चों को अच्छे से तैयारी करवा सकें. और इसके लिए कुछ अलग नहीं करना है. इट मींस इनको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस और इनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करना ताकि ये गेम को और ज़्यादा ज़्यादा प्रमोट कर सकें. नेक्स्ट विल बी टू टेक एक्शन इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथन द यूनिटी. अगर कहीं भी कोई यूनिटी बना रहा है या जो ओलंपिक मूवमेंट होता है उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो वो तुरंत स्टिक एक्शन होता है. मीन तुरंत वो जो है सख्त आदेश होता है कि उस चीज़ को बंद कर दिया जाए. नेक्स्ट विल बी टू एक्ट अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन अफेक्टिंग द ओलंपिक मूवमेंट. मीन्स कहने का है कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है अगर कोई ओलंपिक मूवमेंट या ओलंपिक डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है तो उसके अगेंस्ट में बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई होती है. जैसे बहुत लोग होते हैं कि पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं या अलग टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिससे ओलंपिक मूवमेंट डिस्टर्ब होता है, तो ऐसी चीज़ों को स्ट्रिक्ट एक्शन लेके या आप कह सकते हो कि उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करके उस चीज़ को बंद कर देते हैं. नेक्स्ट है टू इनकरेज एंड सपोर्ट द प्रमोशन ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स एट ऑल लेवल. इन एंशियंट ओलंपिक गेम वुमेन्स वर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन ओलंपिक गेम बट इन मॉडर्न आफ्टर 2 ओलंपिक गेम्स वुमेन्स वर पार्टिसिपेटिंग इन गेम एंड स्पोर्ट्स. राइट नाउ दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग बट उनका जो लेवल होता है वो कहीं कहीं पार्टिसिपेट करते हैं. तो ओलंपिक का सीधा मोटो है, ओलंपिक का सीधा सा ध्येय है कि वो वुमेन्स पार्टिसिपेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर करें जिससे जो है वुमेन्स पार्टिसिपेशन और उनका इंकरेजमेंट हो सके, उनको सपोर्ट किया जा सके. और ये प्रमोशन स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि वुमेन्स भी हर फील्ड में अच्छा करती हैं तो स्पोर्ट में क्यों नहीं. तो इसलिए वुमेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है और अब कंडीशन ये है कि वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती हैं तो इसका बेनिफिट भी मिलता है. नेक्स्ट पॉइंट विल बी टू लीड द फाइट अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स. टू लीड द फाइट
मीन्स दोज हु आर यूजिंग डोपिंग सब्सटेंसेस नीड टू स्टॉप देम। ओलंपिक का सीधा सा मतलब है कि जो भी ड्रग्स का यूज करता है उनको ये बंद कर दें, क्योंकि जो डोपिंग करते हैं उनके लिए डोप टेस्ट होता है बिफोर या आफ्टर गेम, और वो कहीं ना कहीं गुड इम्पैक्ट डालता है। अपना प्रभाव अच्छा करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए लोग डोपिंग का यूज करते हैं जितने स्पोर्ट्समैन होते हैं। तो इस चीज़ को बंद करने के लिए जो भी बड़े गेम ऑर्गेनाइज होते हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ पे डोपिंग टेस्ट होता है, और अगर पॉजिटिव मिलते हैं नेगेटिव मिलते हैं तो उसी के एक उसी को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट विल बी हियर टू इनकरेज एंड सपोर्ट मेजर्स प्रोटेक्टिंग हेल्थ ऑफ एथलीट्स। ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं या इनकरेज करते हैं जिससे लोगों की हेल्थ इश्यूज जो थी या हेल्थ प्रॉब्लम जो थी वो धीरे धीरे रिमूव हो जाए, लोग हेल्दी हों। और आपने देखा होगा कि बहुत से स्लोगन लिखे होते हैं जैसे चिल्ड्रेन स्माइल, नेशन स्माइल, इट्स सोज ओनली कि वेन वी आर हेल्दी देन वी स्माइल एंड आफ्टर दैट इट विल बी ऑल्सो गुड फॉर अवर सोसाइटी एलॉन्ग विद अवर नेशन। ये हमारे समाज के लिए भी अच्छा है और हमारे देश के लिए भी अच्छा है। तो ओलंपिक मूवमेंट जो है उसमें इसका मेन मोटो है कि लोग स्वस्थ रहें, लोग डिजीजेज फ्री रहें, इसके लिए जो है ओलंपिक ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करता है ऐसी चीज़ों को जो एथलीट या जो आम पीपल हैं उनके स्वास्थ्य को सही रख सके। नेक्स्ट पॉइंट विल बी टू अपोज एनी पॉलिटिकल और कमर्शियल अब्यूज ऑफ स्पोर्ट्स। इट मीन्स ओलंपिक गेम जो होता है उसमें कोई पॉलिटिकल इश्यूज होते ही नहीं हैं। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आप अपनी पॉलिटिक्स करिए, बट अगर आप गेम और स्पोर्ट्स में इन चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं तो दैट इज टू बैड फॉर अस, दैट इज टू बैड फॉर स्पोर्ट्स। तो इसलिए इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। दे पुट देयर वर्ड्स ओनली एंड ओनली, इट डजेंट मैटर कि दे आर लिसनिंग आर नॉट। इट मीन्स आई ओ सी विल लिसन इट, इफ इट इज गुड देन इट विल बी गुड फॉर देम, अदरवाइज स्ट्रिक्टली बैन बाय आई ओ सी। तो ये बंद कर देता है, क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज जो भी होते हैं या पॉलिटिशियन जो भी होते हैं या कमर्शियल जो होते हैं उनका वहाँ कुछ भी नहीं चलता है, इट मीन्स उनकी सुनवाई नहीं होती है। और ओलंपिक एक चीज़ पे और फोकस करता है जो नेक्स्ट पॉइंट है, टेकिंग एक्शन अगेंस्ट रेस, कास्ट, जेंडर, और हाँ जेंडर, इतनी चीज़ें होती हैं जिनके बेस पे अगर कोई इश्यूज बना रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो वो भी बहुत बुरा मानती है आईओसी। और खेलों में ये भेदभाव नहीं होते हैं, जात के आधार पे नहीं होता, लिंग के आधार पे नहीं होता है, और कास्ट के आधार पे नहीं होता है। और भेदभाव अगर कोई होता भी है तो वो ख़त्म कर दी जाती है, स्पोर्ट में ये चीज़ें नहीं चलती हैं, जिसका सीधा सा इम्पैक्ट खिलाड़ियों के ऊपर आप आराम से देख सकते हो। कोई किसी कास्ट का हो, कोई किसी भी जेंडर का हो, कि वो कोई किसी भी धर्म का हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। एज ए स्पोर्ट पर्सन अगर आप अच्छा करते हो तो लोग शाबाशी देते हैं, एज ए स्पोर्ट पर्सन अगर आप खराब करते हो तो लोग आपको इनकरेज करते हैं। लास्ट पॉइंट विल बी हियर टू इनकरेज एंड सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट फॉर ऑल। इसका सीधा सा मतलब है कि स्पोर्ट के एवरी लेवल पे, चाहे वो स्मॉल लेवल हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, एवरी लेवल पे ग्रोथ और डेवलपमेंट होना चाहिए, सॉरी डेवलपमेंट होना चाहिए स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ का, वेरियस गेम्स का। जितनी ज़्यादा ज़्यादा प्रमोट हो सके, जितनी ज़्यादा ज़्यादा डेवलप हो सके, उसको आईओसी पहली प्राथमिकता देती है। और उसके बाद है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है ये फर्स्ट टाइम इट वाज फॉर्मड इन 1919 बाय सर दोराबजी टाटा, बट दैट वाज नॉट फेल, बट रियलिटी इट इज इनिशिएटेड इन 1927। ये 1927 में शुरू हुआ व्हेन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज फॉर्मड, जब पहली बार इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्म हुआ वहीं से। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो सर दोराबजी टाटा थे, और इसके जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे वो डीजी नेहरम जी थे, और जो असिस्टेंट सेक्रेटरी थे वो जीडी सोधी जी थे। एंड आफ्टर दैट
फंक्शन ऑफ आईओए, इसका भी फंक्शन ओलंपिक की ही तरह होता है, टू डेवलप एंड प्रमोट द ओलंपिक मूवमेंट एंड अमेचर स्पोर्ट्स। सेकेंड पॉइंट विल बी टू प्रमोट एंड इंकरेज द फिजिकल मोरल एंड कल्चरल वैल्यूज एमंग यूथ फॉर डेवलपमेंट ऑफ गुड हेल्थ। इट मीन्स गेम के द्वारा फिजिकल डेवलपमेंट हो, मोरल डेवलपमेंट हो और कल्चरल डेवलपमेंट हो, तो इस महत्व को ज़्यादा से ज़्यादा गेम के थ्रू ही डेवलप किया जा सकता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करना और प्रमोट करना ये आईओए का मेन फंक्शन है। टू इन्फोर्स ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी आईओसी रूल को फॉर्म करती है वही रूल जो है आईओए मींस इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन उसी चीज़ को अप्लाई करती है, उसे हमें अप्लाई ही करनी है, उसे हमें फॉलो ही करना है, और गेम के दौरान तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट विल बी हियर टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ प्लेयर्स फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ प्लेयर्स एट इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन। मीन्स जो भी प्लेयर होते हैं उनको ट्रेनिंग और कोचिंग दोनों दी जाती है, और दोनों दी जाती है जिससे वो इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो भी कंपटीशन होते हैं उनमें अच्छा कर सकें। तो इसका ये मोटो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं जिनको ट्रेनिंग और कोचिंग नहीं मिल पाती और वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये बेस्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट विल बी टू असिस्ट नेशनल स्पोर्ट एसोसिएशन एंड फेडरेशन फॉर बेटर सेलेक्शन ऑफ प्लेयर एंड ट्रेनिंग। तो इसका सीधा सा मोटो है कि जो भी गेम ऑर्गेनाइज होते हैं उनमें बेटर सेलेक्शन हो, इसके लिए जितने भी स्पोर्ट फेडरेशन होते हैं, एसोसिएशन होते हैं, वो उनको सेलेक्ट करते हैं और उनको जो सेलेक्टेड होते हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है, और जब सब लोग रहेंगे तो उनको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी, कोचिंग नहीं मिल पाएगी, इसलिए सेलेक्टेड प्लेयर्स होते हैं दोज हू आर गुड इन पार्टिकुलर स्पोर्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट विल बी टू प्रोवाइड टेक्निकल हेल्प फॉर कंडक्टिंग नेशनल लेवल कंपटीशंस। इफ़ एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम विल बी, तो यू शुड कीप योर वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ आईओए एंड आफ्टर दैट दे विल प्रोवाइड यू ऑल द टेक्निकल हेल्प विच इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द टूर्नामेंट। रैंडम चेक ऑफ एथलीट्स रिलेटेड ड्रग्स। ड्रग को मैंने अभी आपको बताया कि आईओसी भी वो चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करती है और ये भी, और यहाँ भी वो चीज़ें रैंडम चेक होती हैं बिफोर कंपटीशन या आफ्टर कंपटीशन या ड्यूरिंग कंपटीशन, जब भी उसे लगता है कि हाँ हमें कराना है। और ये जो है नेशनल लेवल पे जो कराती है वो नाडा कराती है, नाडा इट मींस नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और वर्ल्ड लेवल पे जो कराती है वो वाडा कराती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमें ऐसी चीज़ों का यूज नहीं करना है जो हमारे शरीर के लिए, हमारे समाज के लिए ख़राब हो, हमारे स्पोर्ट के लिए तो खराब होती ही है। नेक्स्ट पॉइंट विल बी टू प्रमोट ओलंपिक गेम एट एवरी लेवल। मींस एवरी लेवल पे ये चीज़ें कहीं ना कहीं गुड इम्पैक्ट डालती हैं जो गेम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जो साइन है हमारा SAI साइन मींस स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो जितने भी गेम ऑर्गेनाइज होते हैं चाहे वो जिस लेवल के हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हों और चाहे वो नेशनल लेवल के हों, सबके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेजमेंट होती है और कोऑपरेशन होता है उनका। और आज का जो होमवर्क है वो डिस्कस द रोल ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। सेकंड क्वेश्चन विल बी एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। देयर आर टू क्वेश्चंस, दैट इज योर होमवर्क फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।